भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। आइए आज हम सभी लोग बड़े ही सच्ची भावना से उन दिव्य आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। उनकी यात्रा बहुत मंगलमय हो, शुभमय हो, इसी प्रार्थना के भाव को लेकर आइए। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। जग में साचो तेरो नाम, हे राम, स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम, हे राम, हे राम, हे सवारे तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, इस जग के सारे काम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तो ही शाम, हे राम, हे राम। सभी लोग आइए, हे राम, हे राम, हे राम। जग में साचो तेरो हे राम, हे राम, हे राम।
कहते हैं बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुथी बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुथी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। हमारे जीवन में कोई ऐसे होते हैं लोग जिनके जाने से सभी को बहुत महसूस होता है, चाहे वो अपने हो, चाहे वो पराये हो, चाहे दूर के रिश्तेदार हो, सबको महसूस होता है। आज हमारे आदरणीय रवि कुमार गोयल जी, ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या ईश्वर में बहुत ज़्यादा नहीं आडंबर करते थे, मानते बहुत थे अंदर से, कुछ लोग होते बहुत आडंबर भी करते हैं, लेकिन ये एक इंसानियत की जो परिभाषा है, इंसान किसे कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। बस ये दो लाइन में आदरणीय गोयल जी की पूरी पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं कि हर वक्त इंसानियत को ऊपर रखते थे, अपने समस्त परिवार को एक माला में पिरो के रखने की क्षमता रखते थे। घर में बड़े थे तो बड़ों की जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत अच्छे से निभाते थे, अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सजाया है, एक बहुत सुंदर सा उन्होंने बागवान बनाया है जिसके बड़े प्यारे प्यारे फूल हैं। मैं परिवार के बच्चों से कहूँगी बिल्कुल ना निराश होने का आवश्यकता ना हताश, आपने बहुत सेवा की, पूरी कोशिश की, लेकिन ईश्वर के आगे हम किसी की मर्जी नहीं चलती हैं। जिस ईश्वर ने उन्हें कुछ काम के लिए भेजा था शायद वो काम पूरा हो गया और ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया, इसलिए बिल्कुल ना उदास होना है, उनकी अच्छी यादों के सहारे हमें आगे बढ़ना है। आइए एक प्रार्थना, हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि परिवार के सभी बच्चों को, खासकर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम गोयल जी को बहुत सहन शक्ति, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी अब डबल हो गई है, माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी उनको निभानी है, दोनों का प्यार उनको देना है। आइए, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले ने रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे भले जिंदगी दे, बैर हो ना किसी का किसी से, भावना चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हम न सोच हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा कर दे पावन
से भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर हो। आइए गोविंद के चरण में प्रार्थना। Hey.
एक श्लोक है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम येद क्लन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कहते आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना ही पानी से गीला कर सकता है, ना हवा सुखा सकती है। मतलब आत्मा अजर अमर है। आप सोचिए, अगर शरीर के बारे में हम चिंता करते हैं, शरीर की जान से भी इतना दुखी होते हैं, शरीर क्या है? मैं क्या कहता हूँ कि ये मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, इसका मतलब मैं हाथ पैर नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ और मैं ही सब कुछ है। मैं कौन है? वो आत्मा है। इसलिए शरीर का आना जाना लगा रहता है। आदरणीय गोयल जी इतने हिम्मत वाले इंसान थे कि 2 साल पीछे बीमारी से भी लड़े, लेकिन परिवार को इतना फील होने नहीं दिया, वो बिल्कुल संघर्ष करते रहे। तो इसलिए परिवार के लोग भी उनको विदाई बिल्कुल थोड़े अच्छे मिजाज से दें, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुखी या परेशान होकर देखना अच्छा नहीं उनको लगता है। तो आइए, एक बहुत प्यारा सा भजन है, और जो भी भगवान को मानते हैं उनकी एक ख्वाहिश होती है कि हमेशा जाने की जब बारी आए उस समय ईश्वर का नाम हो जुबान पे, गोविंद का नाम हो। मुझे विश्वास है जब गोयल साहब प्रस्थान कर रहे होंगे तो उनके मुख में जरूर गोविंद का नाम होगा, क्योंकि गोविंद को बहुत मानते थे। आइए, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो,
मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले सरे गामा पगा पा दब मगर सनी धनी सा, सरे गरे गम गम बम बद बदनी धनी सा, धनी धनी सर नि धनी सनी धब धब भब मग मगर ग सर नि सरनी सा, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। एक कबीरदास जी का आपने सुना होगा कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। एक बच्चा जब जन्म लेता है सबसे पहले उनकी रोने की आवाज़ आती है, और जैसे ही बच्चा रोता है हम सभी लोग खुशियां मनाते हैं कि बच्चा ठीक है। वही बच्चा अच्छा कर्म करते धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जब ईश्वर के चरणों में जाने की बारी होती है तो अच्छे कर्मों की बदौलत बच्चा हंसता हुआ जाता है और हम सभी आंखें नम के होते हैं। आज देखिए जगह छोटी पड़ रही है, क्यों कहते हैं इंसान के कर्मों का हिसाब जब उनके जाने के बाद सच में पता चलता है। उनके शरीर को तो हम पंचतत्व विलीन कर देते हैं शमशान घाट में जाके, लेकिन उनके जो कर्मों की खुशबू है वो खुशबू सब यहाँ पे दिख रहा है। इतने लोग आप आए हैं तो ऐसे महान ऐसे आदरणीय गोयल साहब जो पूरा जीवन भर अपना प्यार सबको लुटाते रहे और बहुत कंफर्ट सबको महसूस कराते थे कि वो उनसे बहुत प्यार करते थे। उनके पास जो भी बंदा गया थोड़े से उनके दामाद से मेरी बात हुई, वही कहते हैं कि उनके पास जब भी जाते हैं एक पॉजिटिव वातावरण, कभी वो नेगेटिव बातें नहीं करते थे हर वक्त, और सबको मोटिवेट करते थे। तो किसी को दो पैसे देने की बजाय अगर आप मोटिवेशन करने के लिए आपको आता है तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है समझता हूँ। पैसे तो इसे कोई किसी को देता है, भिखारी को हम देते हैं, लेकिन अगर कोई दुख तकलीफ में आपके पास आए और उनको आप जैसे एक डिप्रेशन का कोई पेशेंट है उनको आप कितनी दौलत दे दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कोई कोई बात अगर उनको ऐसे दिमाग में आ जाए तो बिल्कुल उठ खड़ा होता है। तो वो इंसान ये थे आदरणीय गोयल जी, और वो अपने ईश्वर के चरणों की तरफ के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं। आप सभी जानते हैं कि पहले आपने बहुत सेवा करा, बहुत मेडिसिन दिए, बहुत सारे गिफ्ट दिए, हम अब उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते हैं सिवाय प्रार्थना के। और परिवार के बच्चों ने प्रार्थना का आयोजन किया है, सबसे उच्च कोटि की श्रद्धांजलि हम सामवेद गायन को कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान विष्णु कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे ना योगी हृदय न चा, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। कहते हैं हे नारद ना मैं वैकुंठ होता हूँ ना ही मैं साधु संतों के हृदय में होता हूँ, जहाँ पर मेरे भक्त सच्ची भावना से प्रार्थना करते हैं मैं वहाँ पे विराजमान होता हूँ। आज आदरणीय गोयल साहब के प्रार्थना विदाई समारोह में मुझे विश्वास है यहाँ पे भगवान विष्णु जी भी विराजमान होंगे, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक गायन गा रहे हैं, जो हम लोग गा रहे हैं इसको बोलते हैं सामवेद गायन, आध्यात्मिक गायन। आइए और
प्रार्थना का मतलब है कि मिल के प्रार्थना करना है। आप लोग जो शब्द समझ में आए इस भजन में, आप सब जरूर साथ में गाइएगा ताकि हमारी आवाज ईश्वर तक पहुंचे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे।
आदरणीय गोयल जी, जैसा कि मैं कहा कि सभी मोतियों को एक माला में पिरो के रखते थे, सब उनको अपना लगता था, सबको बहुत प्यार देते थे वो। तो मैं, क्योंकि एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति थे, कई बार शायर कहती है कि बेशक जिंदगी छोटी हो, काम बड़ा हो, नाम बड़ा हो, तो हम सब मानते हैं कि जिंदगी थोड़ी छोटी रही, कम से कम 20 साल और अगर वो रहते तो ना जाने क्या क्या करते, लेकिन कम दिनों में उन्होंने जो उनको देना था, सबको प्यार, जो उनको उनकी जिम्मेदारी, सब उन्होंने पूरा कर दिया। इसलिए मैं कल्पना करता हूँ कि ईश्वर के चरणों में जाकर भी अपने इस बागवान के लिए, जो सुंदर सा बागवान उन्होंने बनाया है, जिसके बड़े प्यारे प्यारे फूल हैं, उनके लिए वो क्या कह रहे होंगे। देखिए, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक मालूम है कि
जो भी जन्म लिया, कई बार लोग कहते हैं कि मृत्यु का कारण बीमारी है या कोई एक्सीडेंट है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मृत्यु का सिर्फ एक ही कारण है, वो है जन्म। जो भी जन्म लिया है, जो भी जीव जंतु, उनका मृत्यु निश्चित है, उनको जाना ही है। और जो लोग इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले, समझ ले कि अगर मेरा भी जन्म हुआ तो हमें भी जाना ही जाना है, तो आधा काम तो उस दिन से हमारा तमाम हो जाएगा। हमको ऐसे गलत काम होगा ही नहीं हमसे, अगर इस बात को समझ में हमें आ जाए। हम क्या करते हैं, सब कुछ जानने के बाद ही बहुत बड़ा जाल बनाते हैं, फिर उस जाल में खुद ही उलझते हैं, परेशान होते हैं। काम सारे करने चाहिए, जब परिवार है, समाज है, सब जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बट अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो बस हर वक्त दिमाग में ही रहेगा कि कैसे हमसे दूसरों की भलाई हो। अपना पेट तो सब भरते हैं, बट दूसरों के लिए जो सोचते हैं वो इंसान है। तो जैसे आदरणीय गोयल जी के लिए हमें पता चला कि हर वक्त दूसरों का सोचते थे, अपना भी करते थे काम। और परिवार के बच्चों के लिए मैं एक बात कहूँगा कि कई बच्चों के भी आंसू निकल रहे हैं। अश्क अनमोल है, इसे खोना नहीं, इसकी हर बूंद है मोतियों से हसी, इसको हर आँख से तुम चुराते रहो। कहते हैं एक्चुअली आंसू बहाने की चीज़ है ही नहीं, ये चुराने की चीज़ है। और कैसे चुराते हैं, किसी का दुख दर्द बांट के। जैसे मैं कहा कि मोटिवेशनल बातें करके, अगर कोई समस्या में कैसे उनको समस्या से निकालें। अगर परिवार एक हो ना सारा, कोई बंदा परेशान ना हो, कोई सुसाइड नहीं करे, कोई डिप्रेशन में जाएगा। लेकिन होता है कि उस समय थोड़ा मुँह मोड़ लेते हैं, उस समय अकेले छोड़ते हैं, बाद फिर हम सब उनके बारे में बातें करते हैं। अगर जरा जरा सब तिनके का सहारा दे तो कोई इंसान परेशान नहीं होगा। आइए, एक बहुत प्यारा भजन है कबीर दास जी की, और उसके बाद हमारा मन की चौपाई करेंगे सब मिलके। जग नहीं अपना बेगाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, प्रभु की नगरिया, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, प्रभु की नगरिया, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। जग नहीं अपना बेगाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। पुकार माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए, फूले फूले चुन लिए, काल हमारी बार, प्रभु की नगरिया, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, प्रभु की नगरिया, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोते मोहे, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोते, लकड़ी कहे लोहार से तू क्या चारे मोहे, लकड़ी कहे लोहार से तू क्या चारे मोहे,
एक दिन ऐसा होएगा, एक दिन ऐसा होएगा, मैं जाऊंगी तो है प्रभु की नगरिया, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, प्रभु की नगरिया, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, जब हम ईश्वर के प्रति ये भाव रखते हैं कि अब जीत दिया, कि अब सब कुछ आपको हम सौंप दिए हैं, फिर हमारा डर भी खत्म हो जाता है और ईश्वर अपने आप सारे रास्ते निकालते हैं। आइए आखिरी हम रामायण की चौपाई सब मिलके, क्योंकि हमारे आदरणीय गोयल जी अब अपनी मंगल यात्रा पे ले निकले हैं, तो हम लोग उसको मंगल गान के साथ विदाई देंगे। श्री रवि गोयल जी, जिनका 1963 से 2024 करीब 61 ईयर्स का उनका जीवन यात्रा रहा, जो बहुत शानदार रहा, आखिरी के एक दो साल में थोड़े से बीमारी से मैं ग्रसित थे, लेकिन उसको भी उन्होंने बहुत ही बहादुरी से सामना किया। उन्होंने कभी परिवार के बच्चों पे प्रेशर होने या उनको किसने बिल्कुल बड़े अच्छे जैसे लड़ना चाहिए लड़के हो गए हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम गोयल जी, इनके पुत्र हैं श्री रोहित जी और पुत्रवधु हैं श्रीमती सृष्टि जी, पुत्री हैं ईशा और दामाद श्रीमान रितेश जैन जी, इनके ब्रदर हैं श्री अरुण जी और जो उनकी वाइफ है श्रीमती रेखा गोयल जी, दूसरे भाई हैं श्रीमान प्रवीण जी, उनके धर्मपत्नी श्रीमती नेहा गोयल जी, और तीसरे भाई हैं श्रीमान हरीश जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणु गोयल जी, और इनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री पन्नालाल गोयल जी, और माता श्रीमती सीता गोयल जी, और इनके चाचा जी श्री राम नारायण गोयल जी, और समस्त गोयल परिवार। ये तो मैं एक छोटा सा नाम बहुत आए थे, बट उतना नाम मैं शायद, क्योंकि मुझे 2:50-3:50 तक का समय था, तो मैं चाहता हूँ समय से अपना कार्यक्रम को करूँ। ये परिवार है और आप इतने लोग आए इस दुख की घड़ी में, परिवार को बहुत शक्ति मिलेगी इससे। इस समय लोग इसलिए आते हैं कि उनका जो मन में कुछ बेचैनी, कुछ ऐसा अभाव महसूस हो रहा होगा, तो उनके बिहेव पे इतने लोगों को देख के परिवार के बच्चों को एक शक्ति मिलेगी, साहस मिलेगी कि नहीं पिताजी के बिहेव पे इतने लोग हैं आशीर्वाद देने के लिए। और जो भी लोग इस दुख की घड़ी में हैं, सबको परिवार की तरफ से दिल से आभार, इससे उनको बहुत शक्ति मिली है। मैं स्टेज पर, मैं हूँ मणि कुमार झा, मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी किरण जी हैं, तबले कुलदीप जी। जो कुछ भी अच्छा लगा हो आज ईश्वर की, और मैं यहाँ इजाज़त लेके शुरू किया था, जो कुछ कमी हम लोग अपनी हो सकती है, हम लोग हर तरह के भजन कार्यक्रम करते हैं, सुंदरकांड पाठ, गजल सूफी। आइए लास्ट में रामायण की छपाई सब लोग मिलके गाएंगे, इसमें सब मेरे साथ गाइएगा। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हूँ सुदश रथ अजर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम रचि राखा को कर तरह
तरफ बढ़ाए शाखा राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हो रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हो हरि अनंत हरि कथा अनंत कहि सुनहि बहुविधि सब संत राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे देखा कि जैसे जैसे लोग आते गए और बिल्कुल मेरे साथ प्रार्थना के भाव में जुड़ते चले गए सच में इनको कहते हैं श्रद्धांजलि सभा जिसको हम कहते हैं विदाई समारोह क्योंकि मैं कभी भी कोई ज़्यादा दुख के भजन नहीं गाता हूँ लोग ऐसे दुखी होते हैं इसलिए हमारा काम हम सोचते हैं कि सारे मोटिवेशनल अच्छे से प्रार्थना गाऊँ और कोई उदास ना हो तो आप सब बहुत ही दिल से आज प्रार्थना किए हैं जो हमारा मकसद था कि हम सबके चहेते सबके लाडले श्री रवि कुमार गोयल जी जो अपने यात्रा पे निकल पड़े हैं यात्रा बहुत मंगलमय हो तो वाकई आज प्रार्थना बहुत ही अच्छा रहा बहुत भावपूर्ण रहा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं परम आदरणीय पंडित जी से आग्रह करूँगा कि आगे की गरुड़ पुराण और पगड़ी ग्रह समूह कराए विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय चक्राय गतिदाय नारायणाय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ये कार्यक्रम पुण्यात्मा के निमित्त जिसका संबंध इस परिवार से लगभग
61 साल तक का रहा। नाम आपको सब अभी बताए गए हैं। मैं श्रीमान सुरेश जी हमारे मध्य बैठे हुए हैं, उनसे विशेष आग्रह होगा कि वो श्रद्धांजलि के रूप में कुछ बोलना चाहते हैं। इनके बाद सतीश जी, इनके बाद विजेंद्र जिंदल जी। मेरा नंबर लास्ट में है शायद, मुझे जैसा आदेश हुआ उसी के अनुरूप। आइए सर। श्रद्धा के साथ जो अंजलि होती है उसे श्रद्धांजलि कहा जाता है। ओ जय श्री राम। जो ही 5 तारीख को सुबह 9:30 बजे के करीब हमारे प्रिय रवि गोयल जी के निधन का समाचार सुना, हृदय को आंतरिक पीड़ा हुई जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रवि गोयल जी के बारे में आपको क्या बताऊं, वो एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनको परमात्मा की तरफ से गॉड गिफ्ट मिलती है, हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती थी। जो भी उनको देखता था मन मोह लेता था, उनकी तरफ अट्रैक्शन होती थी। और इस परिवार ने, इसके बच्चे बेटे ने और सारे भाइयों ने इतनी सेवा की है कि अतुलनीय है, जिसका कोई उदाहरण नहीं है। और इस दिव्यात्मा में भी, दिव्यात्मा ने भी मतलब इतनी आंतरिक पीड़ा होते हुए भी उस तक नहीं की है। बहुत कठिन परिस्थितियों में से निकले हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा थी वो इस दुख की घड़ी में सभी लोग साथ आए हैं। सारा परिवार उनका आभारी है। हम सभी भगवान से भी ये प्रार्थना करते हैं, इस दिव्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को जो ये गहरी पीड़ा हुई है इसको सहने की ताकत दे। मैं तो सभी से यही कहूँगा, भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसी दिव्यात्मा हमारे बीच में फिर आए और परिवार की सेवा करें। जय श्री राम। श्री सतीश जी, ओम शांति। स्नेही सज्जनों, मृदु स्वभाव स्नेही मित्र रवि भले ही आज शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हमारी यादों में वो जीवन भर हमारे साथ रहेंगे। इस दुख की घड़ी में मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिवंगत नेक पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त पूरे परिवार और सभी प्रियजनों को यह असहनीय दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। उनका मृदुल स्वभाव, जैसा कि अभी बताया गया, उनकी मनमोहक छवि, दूसरों को अपना बना लेने की कला, पूरे परिवार और समाज को जोड़े रखने की कला जो उनमें थी, अगर हम आज के इस भौतिकतावादी युग में अगर हम अपने परिवार और समाज में स्नेह का वातावरण बनाए रखने में कामयाब रहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दुख को, इस असहनीय दुख को कम तो नहीं किया जा सकता, ना ही इस अपूर्णीय क्षति को मिटाया जा सकता है, लेकिन हम सब जानते हैं आत्मा अजर है, अमर है। नैनम छिदंति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम कलेदयंतापो,
नशोशति मारुता। हम सब जानते हैं जो इस संसार में आया है उसे जाना ही होता है। भगवान श्री राम के पिता दशरथ को भी जाना पड़ा। किसी को भी याद करने का, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सब मुझसे ही जन्म लेते हैं और मेरे पास ही वापस लौट आते हैं। तो किसी को भी स्मरण करने का सबसे अच्छा तरीका है कि परमात्मा का स्मरण किया जाए। मैं 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करूंगा, आप भी मेरा साथ दे सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम शांति। श्रीमान विजेंद्र जिंदल जी विराट गद्दी पर विराजमान, शरदे पंडित जी, श्रद्धांजलि सभा में आए सभी प्रबुद्धजन, मातृशक्ति, हमारे बड़े भाई रवि जी का जैसे इस 5 तारीख को समाचार मिला, बड़ा झटका सा लगा एकदम शोक। क्यों, हम साथ साथ रहे, साथ साथ बचपन हमारा बीता और हमेशा, जैसे सुरेश जी ने बताया, हमेशा रवि जी के चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी। हम परवीन जी, अरुण जी, हरीश जी सब आमने सामने हमारे घर थे, तो रवि जी को जब भी देखा, जब तक यहाँ विनोबा में रहते थे तो ज़्यादा मिलना जुलना रहता था। अभी महेंद्रू एन्क्लेव जाने के बाद थोड़ा कम रहा और अभी जैसे 2 साल से वो बीमार थे तो थोड़ा घर परिवार ने, जैसे बताया बेटे ने, सब भाइयों ने सेवा करनी थी और करना भी चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से, गोहाना मैत्री संघ के सभी सदस्यों की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति। आने का दिन एक है, जाने का दिन एक, इस 2 दिन के बीच में तू कर जा काम अनेक। श्रीमान रवि जी के बारे में जो कुछ बताया गया, मेरी वाणी में वो शक्ति नहीं है जो मैं उनकी कार्य प्रणाली का कुछ व्याख्यान कर सकूं, लेकिन इस परिवार से मेरा लगभग 40 वर्षों का संबंध रहा है। 1963 में इन्होंने 15 मार्च को ये मानव रूपी शरीर प्राप्त करके माता सीता गोयल के यहाँ, पन्नालाल जी के यहाँ जन्म लिया। इनके चंदनलाल जी गोयल के पुत्र, हरिराम जी गोयल के पुत्र, पन्नालाल जी के सुपुत्र, जिनका नाम रवि आप सब जानते हैं, रवि सूर्य को कहते हैं और सूर्य की चमक कभी कम नहीं होती है। यथा नामे तथा गुणे, कुछ गाया जाता ना श्री रवि कुमार गए श्री धाम को, कष्ट बताया जाता ना सब मालूम है उस राम को। आत्मा और परमात्मा दोनों को एक होना है और ये हमेशा एक हैं। स्त्री पुरुष भी एक होते हैं, शिव और शक्ति। आधा अंग शिव का है, आधा
शक्ति का है। वो एक बरदहस्त ऐसी हस्ती थी जो सबको आज श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ बैठना पड़ा, और इतना समय किसी के पास नहीं है, लेकिन उसके स्वभाव, उसके गुण ये दर्शाते हैं कि आज खड़े होकर भी भाई बहन कितने खड़े हैं, उनको आत्मीय कष्ट भी हो रहा है, लेकिन फिर भी ज्ञानवर्धक बातें ये सुन रहे हैं। कुछ गाया जाता ना श्री रवि कुमार गए श्री धाम को, दुख बताया जाता ना सब मालूम है उस राम को, बसी हुई मन में वो मूरत अब कभी देख सको ना वो सूरत, धीर बंधाया जाता ना मैं नमन करूं उस नाम को, कुछ गाया जाता ना सब मालूम है उस राम को, वो मानुष के उत्तम देही परमेश्वर की थी ये स्नेही, शुभ भजन किया दिन रात याद किया घन श्याम को। आना जाना नियम पुराना ये संसार का है, लेकिन उस जीव ने, उस पुण्यात्मा ने प्रभु के नाम को नहीं छोड़ा। शुभ भजन किया दिन रात याद किया घन श्याम को, दुख बताया जाता ना सब मालूम है उस राम को। अब सुपुत्र कह रहा है उसका, अब आप बिना कुण ऐसा दे मन को तुरंत दिलासा, आशा रहो पास में आप छोड़ गए सब काम को, दुख बताया जाता ना सब मालूम है उस राम को। कीर्ति, कीर्ति करने वाला हजारों कोस दूर भी आदमी मिल सकता है। इस परिवार का, परिवार की जो यश है, परिवार की कीर्ति है, वो चहुं ओर है, सत्य, शिव और सुंदर, ये तीनों गुण इस परिवार के अंदर मुझे देखने को मिले हैं, और मेरे भी जीवन का 3/4 हिस्सा इस परिवार के मध्य व्यतीत हुआ है। मैं आज आपके सामने किसी प्रवचनकर्ता के रूप में नहीं हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरी वाणी में वो क्षमता नहीं है जो मैं इनका अच्छे अच्छे विद्यालय, अच्छे अच्छे ट्रस्ट जिनके अंदर इनका पूरा परिवार ट्रस्टी भी है, श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल की ओर से सुरेंद्र गुप्ता जी, महेश कुमार गुप्ता जी, सुभाष मित्तल जी, इनकी ओर से संवेदना पत्र, शोक संदेश प्राप्त हुआ है। श्री दीपक कुमार जी गोयल अग्रवाल सभा प्रशांत विहार की ओर से ये शोक संदेश प्राप्त हुआ है, और LIC